कबीर, कम दिस साइड। ये जो पहले हम घूमेंगे ये 400 साल पहले हुआ। अच्छा। जो टाउन था बहुत छोटी, बोले 12 किलोमीटर का, वर्ल्ड का थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल आप देख रहे हैं अभी, फर्स्ट चाइना है, सेकंड कुंभलगढ़ उदयपुर, थर्ड जयपुर आमेर। अच्छा। 12 किलोमीटर का फर्स्ट पार्ट जिसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है, एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब परेड होता था, जहाँ सोल्जर्स परेड किया करते थे। इसके दो एंट्रेंस गेट है, फर्स्ट इधर सनराइज होगा, उधर सन गेट, जो रॉयल फैमिली यूज करती थी, और मूनराइज होगा तो मून गेट, वहाँ से कॉमनर्स की एंट्री होती थी। नीचे जो रूम्स आप देख रहे हैं ये हॉर्सेस टेबल है पुराने, यहाँ पर हॉर्स रखे जाते थे और इस ग्राउंड में परेड होती थी। आपने मूवी देखी वीर सलमान खान वाली? नहीं। हम साथ साथ है, जोधा अकबर, मणिकर्णिका, झांसी की रानी, गोल, बच्चन, अजूबा, बेटा, बटवारा, मुगल आजम, राजपूत, कलाश, कई मूवीज की शूटिंग यहाँ पर को। इस पैलेस में पूरा। अच्छा। और जोधा अकबर में एक सीन था जो खाना खिलाते हुए ईश्वर राय सभी को, वो वाला सीन देखे बैठता है पब्लिक ऑडियंस और दरबार में शूट हुआ। अच्छा। ये राजा का दरबार है। अच्छा। जो किचन है अंदर है। अच्छा। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ वगैरह वो यहीं छोड़ गए शूटिंग के बाद। अच्छा ठीक है। सामने जो गेट आप देख रहे हैं गणेश पोल के नाम से जाना जाता है, पोल मीन्स गेट। सेंटर में देखिए गणेश जी का पिक्चर है, इसकी पेंटिंग है, 400 ईयर की पेंटिंग राजा महाराजा बना करके आज भी वही। चलो तो पेंटिंग में वेजिटेबल कलर का यूज किया गया है। पूरे इंडिया के अंदर ओनली टू स्टेट बिहार और राजस्थान इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे, वेजिटेबल कलर बनाते थे। बिहार वाले जो बनाते हैं उसे मधुबनी कहा जाता है, इसे फ्रेस्को कहा जाता है। ठीक है। तो इससे ब्लॉक प्रिंटिंग का काम भी होता है, जयपुरी ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम देखा है आपने, लकड़ी के ब्लॉक देखा है ना, आज भी किया जाता है। अच्छा। और टाउन पार्ट में अभी भी गांव में वो काम होता है जी, आपको दिखाएंगे वहाँ पे कितने में एंटर करते हैं। और वहीं बैठ के रानिया दरबार देखती थी, उन्हें कोई नहीं देख पाता था, विंडो तो क्लोज रहती थी, उस घरों को से किसी का फ्रेंड दिखाएंगे। हमारे राइट साइड में किचन बना हुआ है। अच्छा। ये रॉयल किचन था। अच्छा। यहीं पे रॉयल फैमिली का खाना बनता था, ये पूरा एरिया किचन का है जी। उस तरफ पे ऑफिस है, गांव के सरपंच होते थे उनके, तो वहाँ बैठते थे सरपंच, पब्लिक की पहली सुनवाई वहाँ पे होती थी, देन मामला कोर्ट में जाता था, कोर्ट कचहरी जाता था। ठीक। इसी में राजा रानी रहते थे, और ग्लास वर्क देखिए दीवारों से चलता था, पूरे में ग्लास वर्क है। यहाँ पे एंट्री होती थी दूसरे राजाओं के एम्बेसडर वगैरह की, जब राजा की परमिशन होती थी तो यहाँ मीटिंग होती थी। ये बेल्जियम ग्लासेस हैं, नॉर्मल ग्लास थे, वर्ल्ड फेमस बेल्जियम ग्लासेस, तो वाइस शिप बेल्जियम से मंगाया गया था 1623 में जी। इसे बनाने वाले राजा मिर्जा राजा जयसिंह, तो ये स्ट्रक्चर 1629 में कंप्लीट हो गया था, जबकि ताजमहल 1632 में स्टार्ट हुआ था, ताजमहल से भी ओल्ड पार्ट। अच्छा। अंदर जब मरकरी एलएम की हीट को एब्जॉर्ब करके ग्लास को वार्म करती तो पूरा रूम हीट की तरह बिना लाइट के ही गर्म हो जाता, इस तरह से बिना लाइट के कर्टन चलते थे, और जस्ट ऊपर वाले पार्ट में गेट के आगे कर्टन लगाते थे, फर्स्ट को गीला रखा जाता था, कूल एयर अंदर जाने से बिल्डिंग ग्लास ठंड। भैया करा दो। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? देखो यार। छत के ऊपर देखिए दो डोम बने हुए दोनों कॉर्नर में। हाँ। आपको डिजाइन लग रहे हैं अंदर से वाटर टैंक से। अच्छा। मैनुअली उनको पानी से भरा जाता था और उनसे एक पाइप निकल कर आ रहा है, जहाँ पर 3 गेट्स है, उसके जस्ट ऊपर देखिए कॉपर पाइप अभी लगा हुआ है। हाँ। पाइप में स्मॉल स्मॉल होल बने हुए थे, ड्रॉपवाइज पानी गिरता लाइक ए वाटरफॉल, आगे खसखस के कर्टन्स। जब कूलर अंदर जाकर बिल्डिंग ग्लास से टकराते तो पूरा रूम ऐसे की तरह चिल रहा था, और पानी वेस्टेज नहीं जाता था, सारा पानी पाइप के थ्रू नीचे आके फाउंटेन वर्क करता था। हाँ। तो फाउंटेन का पानी डिवाइड हो गया गार्डन में, एवरी ड्रॉप खुल जाता है। 400 ईयर ओल्ड डिजाइन है जिसे कारपेट से लिया गया। अच्छा। कारपेट का डिजाइन है पूरे गार्डन में, प्लांटेशन चाहिए। ओके। फर्स्ट वाली ओरिजिनल है, और सेकंड जो कॉर्नर में रखी है डुप्लीकेट बनाई गई थी, और यही छोड़ गए सुविधा के लिए। अच्छा। इस तरफ जो बिल्डिंग है सर्वेंट क्वार्टर्स है, यहीं पे इनके सारे सर्वेंट रहा करते थे ऊपर से नीचे तक, और इन्हीं सर्वेंट क्वार्टर के लास्ट कोने में देखिए ब्लैक कलर का गेट है, सिल्वर लॉक लगा हुआ है, लास्ट वो वाला है टनल का गेट, वहाँ से पब्लिक के लिए ओपन किया गया। अंदर जाएंगे तो 25 स्टेयर्स डाउन में जानी पड़ेगी, फिर अंदर ही अंदर ऊपर। अच्छा। ये जो ऐसी है वहाँ नीचे।
वो जोधा पैलेस है वो भी सेम ही है वहीं पे जोधा भाई का बर्थ था। अच्छा ये तो बाद में बना 1562 में शादी हो गई थी 1589 में स्टार्ट हुआ। अच्छा मैंने वहीं देखा कश्मीर में। तो यहाँ पर जो वेदर था हॉट रहता है इस वजह से सक्सेसफुल ही नहीं रहा। तो नाम रह गया सैफरन गार्डन, आज भी इसी नाम से जाना जाता है। अभी नॉर्मल प्लान से एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, गाना था मुहे रंग दुला, गाना वहीं शूट हुआ। अच्छा यहाँ जाना मना है? यहाँ जाना मना है, बट इसके साइड में देखिए चेस्ट लगी हुई है, वहाँ होता है लाइट एंड साउंड शूट। अच्छा अभी 7 बजे होगा तो वहाँ पर गाना शूट। अच्छा तो वहाँ बैठ के आप देख सकते हैं पूरा लाइट साउंड शो, यहाँ पर लाइटिंग होती है वहाँ साउंड होता है। अच्छा जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता था रानी इसी का यूज करती थी। उस टाइम पे हेवी ड्रेसेस पहनती थी, गोल्ड वर्क होता था। देखा है तो ऊपर नीचे दो पार्ट बने होते हैं समर और विंटर, तो ये रेनी सीजन का है। हर मौसम के हिसाब से पैलेस का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो पूरा रूम अंदर से इसी की तरह छिड़ जाएगा। अच्छा स्लोप बना हुआ है बैक साइड में, उसके ऊपर पानी आता था, ऊपर बने टैंक से साइड में जाली है, उस जाली से हवा आती है, वो पानी से टकरा कर रूम को ठंडा करेगी और वाटर जो है यहाँ से फ्लो करता हुआ सीधा गार्डन में। ये ग्लास और रेलिंग अभी का है। अच्छा देखिए थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, बाकी सब खराब तो खत्म हो गया। हाँ नेक्स्ट जनरेशन ने आगे बढ़ाया, हम लोग उल्टा देख रहे थे। अच्छा मानसिंह के बाद चश्मा लेता है नेक्स्ट जनरेशन में बना। मानसिंह हेड 12 क्वींस, क्योंकि 12 रानियाँ थी तो सभी के लिए 12 अपार्टमेंट्स हैं। 12 और यहाँ देखिए एक रानी का अपार्टमेंट हम लोग बनाए, 2 बेडरूम एक हॉल और टॉयलेट। ये देख सकते हैं लोग 2 BHK पर बनती है। अच्छा ये रानी का घर है कबीर, तो किसका ये बेडरूम? ये बेडरूम और सेकंड बेडरूम है। मुझे तो लग रहा है दोनों बेडरूम्स के बीच में गेट होता था, चिल्ड्रंस का था तो राधा रानी का बेडरूम होता था। 8-10 साल तक के बच्चे उनके साथ होते थे, फिर गुरु को भेज दिया जाता। गुरु स्कूल ये टॉयलेट है और सामने किचन। टॉयलेट खुले ना बंद किए, लॉक लगा हुआ है। लॉक है क्या? इस तरह से कंक्रीट 2 BHK बना। अच्छा पिजन ऐसे ही उड़ रहे हैं यहाँ। इंग्लिश में कहे तो लेडीज अपार्टमेंट, हिंदी कहे तो जनरल रोटी, अगर उर्दू में कहेंगे तो हरम। अच्छा हरम, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है हरम तो मूवीज को सभी को पता है आजकल क्या होता है। पुराने जमाने में ऐसे होता था बाथ टब ना? हाँ कभी पुराने जमाने का बात था राजा रानी का। आओ ये वाटर टैंक सी है कबीर, सी है सी है। ये है गॉसिप रूम, मीटिंग वगैरह करती थी और डांस प्रोग्राम सब यहाँ होते थे, क्योंकि घर है कोई दरबार तो है नहीं। हुनर हुनर का जो गाना था उसी तरह के कल्चर प्रोग्राम यहाँ होते थे। और राजा मानसिंह यहाँ डांस कराने करते थे, यहाँ पे बाहर सारे प्रोग्राम्स होते थे, यहाँ बैठ के मीटिंग करती थी, तो वहीं बैठ के राजा सारे देखते थे। उसके भी रूम वगैरह सब क्लोज कर दिया गया है जैसा मैंने आपको बाहर। और नीचे रानियों के अपार्टमेंट, ऊपर राजा का बट एक इशू रहता था राजा की सेफ्टी का, नाइट में कोई उनको अटैक कर दे तो बचाएगा। उन्होंने रूल्स बना रखे थे, नाइट में कोई रानी ऊपर नहीं जाती थी, राजा ही 12 बजे से किसी जहाँ जाना होगा। तो उसके लिए ऊपर कॉरिडोर बनाया, देखिए अंदर एक कॉरिडोर है पूरा राउंड है, खिड़की दरवाजों पर गार्डन लगा दिए जाते थे कि कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। राउंड करते करते राजा 12 अपार्टमेंट की 12 स्टेयर्स थी, तब कौन से स्टेयर से उतरे और कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। और गर्म होती है 4 से 5 किलोमीटर, तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ पर इसी फेस्टिवल जो आपको नीचे दिख रही है। अच्छा यहाँ पे राजा लोग पहले एस्ट्रो में बहुत बिलीव करते थे, एस्ट्रोलॉजर जैसा काम बोलता है वैसे ही होगा। उनकी जो 12 क्वींस थी अकॉर्डिंग टू 12 ज्योतिष साइंस। अच्छा 12 राशियों की 12 रानी। भैया वो उसका टाइम आपको अंधेरे में क्या दिखेगा? पूरी रानी है अभी कितना बचा हुआ है? हो गया कंप्लीट आमिर फोर्ट?
इतना छोटा सा है, नहीं ऊपर कुछ है ही नहीं, बस एक पैसेज है, कॉरिडोर है, देख लो वो नहीं आएंगे आप। क्यों हो रहा है? एक तो सीढ़ियां इतनी हो रही है ना। हाँ चलो राजा रानी का टॉयलेट भी देख लो। नो डोंट सेट ना कभी। अच्छा पूरा ड्रेनेज सभी का एक था। अच्छा पिंकी कभी डोंट फ्राई कर देंगे इसमें, तुम्हें आ जाओ। और ये ओरिजिनल लोग अपना अपना मान। अच्छा मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का, ये राजा महाराजाओं का ही है। अच्छा वहाँ तो आज भी रॉयल फैमिली इसका यूज कर रही है, उससे वादा रहता कोई नहीं है। हाँ। तो यहाँ तो पब्लिक के लिए ओपन हो गया। हाँ। तो पहले राजा यहीं से आए। कभी छोड़ना मत। सी 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 साइड का भी सारा ट्रैफिक जा रहा है, तभी तो बंद कर दिया।